जय हिंद दोस्तों, आज मैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में बात करूंगा। यह कंपनी से संबंधित होता है या कंपनी के संविधान को बनाने वाला, उसका मकसद और उसकी कार्यप्रणाली को बतलाने वाला डॉक्यूमेंट होता है। इसमें लिखा होता है कि कंपनी की डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कैसे किया जाना है, उसके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को हैंडल कैसे करेंगे, उसके स्टॉक शेयर्स को इशू कैसे किया जाएगा, डिविडेंड कैसे दिया जाएगा, ये सारी बातें होती है। इसे कंपनी का बायलॉस भी कहते हैं। इसमें कंपनी के आंतरिक नियम होते हैं जिसमें रोजमर्रा को किस प्रकार निपटाया जाएगा इसके बारे में आसानी से पता लग जाता है। यह कंपनी का सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट होता है। अगर AOA यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से बाहर जाकर के भी कोई कार्य किया जाता है तो कंपनी के शेयर होल्डर्स उसे करेक्ट कर लेते हैं। अतः यह डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट होता है। आज का वीडियो इतना ही। मैं उपेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड सीनियर बैंक ऑडिटर। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।